इस इलेक्शन में आपको फैसला करना है, फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, बेशक उनको हराना है, मगर जिताना किसको है वो भी फैसला आपका हक का करना है। शरीयत में मुदाखिलत की जा रही है ट्रिपल तलाक के नाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। कभी महसूस हुआ है आपको कि यहाँ पर हमारे पास हमारी सीट है? हमारी सीट नहीं थी, एक कांग्रेस पार्टी सीट थी, मुसलमानों की सीट गुलबर्गा में कभी नहीं थी। कांग्रेस के गुलाम नहीं, कांग्रेस हमारा हमदर्द नहीं, आप जनता दल के गुलाम नहीं है। हम अगर किसी के गुलाम है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। आज जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, हमारे लिए आवाज उठा सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है, उसी के लिए आप फैसला करेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन, इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। आज आपके बीच में पूछने आया हूं, एक तरफ सीट बचाने के नाम पर गुलिस्ता इलेक्शन में आपने एक मोहतरमा को मौका दिया। इन 5 सालों में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद से लेकर अब तक किसी भी हुकूमत में, किसी भी समय पर, किसी भी मौके पर मुसलमानों के खिलाफ इतने हमले कभी नहीं हुए। आज गुलबर्गा शहर का ही मामला ले लीजिए आप, हमारी मरकजी मस्जिद महबस सुपर मार्केट में जहां पर है, वहां पर एक आंदोलन का एक स्वामी आकर के ये कहता है कि हम वहां पर अजान माइक निकालेंगे, अजान नहीं बजने देंगे और हनुमान चालीसा लगाएंगे। तो ये मामला, इतनी जरूरत उनकी हो गई है। आज गरीब कारोबारियों को सुपर मार्केट में जो कारोबार करते हैं, 200-300 कारोबारियों को निकाला जा रहा है। आज मार्केट के अंदर 200-300 जो कॉम्प्लेक्स है, कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स, वहां पर बगैर करंट के मुसलमान जो है कारोबार कर रहे हैं। उलमा इकराम को कोविड के अंदर पीटा जा रहा है, एक कंप्लेंट भी पुलिस के खिलाफ दर्ज नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको आपने हमने चुन के भेजा है, मिल्लत के नाम पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के नाम पर, बीजेपी को इख्तदार से रोकने के नाम पर हमने जीता के भेजा है, उनके रिश्तेदारों को हफ्त गुम्बस के मैदान में पीटा जाता है पुलिस महकमे से, वो लोग एक कंप्लेंट भी नहीं करते, प्रेस मीट करते हैं, एक कंप्लेंट भी नहीं करते। आज मैं आपसे पूछने आया हूं, इतने मामले हो रहे हैं, मिल्लत के खिलाफ हमले हो रहे हैं, आप लोगों के सामने एक ऐसी खयादत है, ऐसे एमएलए हैं जो गुलिस्ता 5 सालों में एक लफ्ज भी मिल्लत के लिए नहीं बात किए हैं, मुसलमानों के ताईद में एक लफ्ज भी असेंबली में बात नहीं किए हैं। और आपके सामने आपका भाई, दो वक्त शिकस्त होने के बावजूद आप लोगों ने मुझे अपनाया नहीं है, मुझे मौका नहीं दिया है, हार होने के बावजूद भी हर मामले में आगे बढ़ करके लड़ रहा हूं, गली गली में एहतजाज कर रहा हूं, केस दाखिल कर रहा हूं, नेशनल टीवी के अंदर भी आपको डिबेट करके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं। आज ये वक्त है, एक तारीखी इलेक्शन होने जा रहा है, इस इलेक्शन में आपको फैसला करना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, बेशक उनको हराना है, मगर जिताना किसको है वो भी फैसला आपका हक का करना है। मैं आपसे पूछता हूं, इन गुलिस्ता 5 सालों में कभी किसी को महसूस हुआ है कि हाँ गुलबर्गा के अंदर हमारा एमएलए है, बल्कि महसूस हुआ किसी को? बकरीद के मामले में ईद मनाने के लिए हमको तकलीफ दी जा रही है, हमारी इबादत घरों तक पहुंच गए हैं, हमारी बच्चियों के लिबास तक पहुंच गए हैं हिजाब के नाम पर, शरीयत में मुदाखिलत की जा रही है ट्रिपल तलाक के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि टीवी, नेशनल टीवी चैनल्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आज उनकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है, आपको फैसला करना है, यह तारीख के इलेक्शन आपको फैसला करना है कि हम लोग इस दुनिया में सबर करने के लिए आए हैं, अपने आप को मारने के लिए आए हैं, बेशक आज हम हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहे हैं, इंशाल्लाह जब तक हैं भाइयों की तरह रहेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को दबाया जाए, मुसलमानों के खिलाफ बात की जाए, मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ बात की जाए। मैं आपसे पूछने आया हूं, आपके लिए मैं लड़ता आया हूं, हर मामले में आगे बढ़ता आया हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इस बार के इलेक्शन में अगर आप कोई ऐसा वैसा फैसला करते हैं, फिर सीट बचाने के नाम पर फिर वही लोग आएंगे
फिर लोग आएंगे आपके बीच में आएंगे, भाई देखो नासिर को वोट डाले तो बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट को इत्तेहाद, बेशक इत्तेहाद के साथ हमको फैसला लेना है, मगर किसको वोट डालना है ये भी हक का फैसला होना है, हक का फैसला होना है। कभी महसूस हुआ है आपको कि यहाँ पर हमारे पास हमारी सीट है? हमारी सीट नहीं थी, एक कांग्रेस पार्टी के सीट थी, मुसलमानों की सीट गुलबर्गा में कभी नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक लफ्ज भी असेंबली में बात करने का जो है हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है। यह हकीकत बात आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, आपके पास आया हूँ इतना ही गुजारिश करने के लिए कि इस बार के इलेक्शन के लिए मिल्लत के हक में फैसला कीजिए, मिल्लत के साथ इंसाफ कीजिए, मिल्लत के लिए आवाज उठाने वालों को मौका दीजिए, मिल्लत के साथ भी इंसाफ कीजिए। आपका ये भाई आपके लिए सियासत में 25-30 साल से है, बेबागी से है, हिम्मत से है, मैं आपके बीच में गुजारिश कर सकता हूँ, किसी सियासी लीडर के सामने सर नहीं झुकाता, आपसे वायदा करता हूँ जब तक जिंदा हूँ आपके जज्बातों का ख्याल रखूंगा, मिल्लत के तहफ़ का ख्याल रखूंगा, मिल्लत के शान का ख्याल रखूंगा, मिल्लत को कभी रुसवा नहीं होने दूंगा, मिल्लत को कभी झुकने नहीं दूंगा। अड़ंग के अंदर 165 लोग जेल गए हैं, 10 हमारी माएँ और बहनें जेल गई हैं, याद रखिए कमजोर खयादत बहुत महंगी पड़ रही है, बहुत महंगी पड़ रही है। उलमाए कराम पीटे जा रहे हैं पुलिस के हाथ से, केस नहीं दर्ज हो रहा, 165 लोग जेल जा रहे हैं। आपको मिल्लत का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, फैसला हक का कीजिए, फैसला ये सोच के कीजिए कि मिल्लत के लिए सबसे बेहतर कौन हो सकता है, वो फैसला करेंगे। इस बात को आपको गुजारिश करने के लिए आया हूं। मेरे वालिद भी इस दुनिया के अंदर सियासत में बहुत साल थे, फसादात 1972 के फसादात देखे, सिमी का केसेस हुए फ्री में उनको छुड़ाए, 92 के फसादात हुए फ्री में उनको छुड़ाए, उनकी भी कोशिश रही है, मेरी भी कोशिश रही है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए कोई गॉडफादर नहीं है, कोई बड़ी सियासी लीडर नहीं है, आपका फैसला मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आप मुझे इतना वायदा कीजिए कि इस बार आप लोग मिल्लत के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है वही आपके जहन में दिल में रख के फैसला करेंगे लेंगे। भाइयों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे मिलने आया हूं, सच बोलिए, आप किसी सियासी जमात के गुलाम नहीं है, कांग्रेस के गुलाम नहीं है, कांग्रेस हमारा हमदर्द नहीं है, आप जनता दल के गुलाम नहीं है। हम अगर किसी के गुलाम है तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है, पहले से गुलाम है, जब तक खयामत तक हम उन्हीं के गुलाम रहेंगे। आज जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है, हमारे लिए आवाज उठा सकता है, हमारे लिए लड़ सकता है, उसी के लिए आप फैसला करेंगे, ये उम्मीद मैं रखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।